नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है स्ट्रॉबेरी प्लांट पे। स्ट्रॉबेरी प्लांट के बारे में सारी बातें करते हैं, पूरी डिटेल से बात करते हैं आज। ये स्ट्रॉबेरी प्लांट विंटर में ग्रो होता है, नवंबर से लेके मार्च तक। मार्च ख़त्म होते होते स्ट्रॉबेरी प्लांट सूख जाता है, नहीं बच पाता गर्मी के एरिया में, गर्म जगहों में। लेकिन ठंड एरिया में ये पूरे साल भर तक रह जाता है और फ्रूटिंग भी पूरे साल होता है। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसे जब भी आप पोटिंग मिक्स बनाएं तो इसे बहुत ही ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट वाला पोटिंग मिक्स बनाइए। जैसे कि आप 50% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद, जो खूब अच्छे से सड़ी हुई गोबर खाद होती है, वो या वर्मी कंपोस्ट कोई भी एक आपको मिल जाए, वो 50% करिए। और 25% गार्डन सोयल और 25% अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो वो करिए, नहीं है तो रेत लगा दीजिए, डाल दीजिए और ऐसे मिक्स बनाइए। और जब भी आप मिक्स बनाएंगे पॉटिंग मिक्स, तो उसमें जैसे ये छोटा गमला है, इसमें एक चम्मच बोन मील डाल दीजिए। बोन मील अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बोन मील से फॉस्फोरस और कैल्शियम मिलता है प्लांट को। और ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट ये फ्रूट के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होता है, तो ये बहुत रिच न्यूट्रिएंट वाला सॉइल बन जाएगा। तो आप ऐसे पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। और प्रोपागेशन की बात करते हैं, तो ये सीड से भी प्रोपागेट कर सकते हैं और इसका रनर होता है उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रॉबेरी हुआ है, इसमें जो ये डॉट डॉट है ये सीड है। स्ट्रॉबेरी के सीड फ्रूट के ऊपरी सतह में होता है, तो आप इससे भी ग्रो कर सकते हैं। इसे आप ये जब पक जाए, रेड हो जाए, उसके बाद उसको ऐसे मसल देंगे पानी में, तो वो सीड अलग हो जाता है। वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है सीड से ग्रो करना। बेस्ट है, इजी वे है रनर से ग्रो करना। ऐसे निकलता है, जैसे ये देखिए, ये भी एक रनर ही है, इसमें फ्रूट लगे हैं और ये ऐसे रनर निकलता है। और जैसे स्पाइडर प्लांट का या पुदीने का प्लांट का जो रनर निकलता है रूट से, और वो जाके अलग से एक प्लांट बन जाता है रनर में, और रूट वगैरह होता है तो उसको तोड़ के आप अलग से पॉट में लगा दीजिए, ऐसे तैयार हो जाता है। तो सीड से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप रनर के थ्रू इसे बहुत सारे प्लांट में प्लांट बना सकते हैं। और इसके धूप के बारे में बात करते हैं, इसे फुल सनलाइट बहुत पसंद है। ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे दोपहर की धूप अच्छी आती हो, ऐसी जगह पे इसे रख दीजिए। और सुबह से ही धूप हो और दोपहर की जहाँ पे ज़्यादा धूप हो ऐसे जगह में रखिए, क्योंकि ये फ्रूट बनाने वाले जो भी प्लांट है उसको धूप की जो बहुत ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे फुल डे की सनलाइट जहाँ पे हो वैसी जगह में आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट को रखा करिए। और इसके पानी सुबह शाम दोनों टाइम आप पानी इसमें दे सकते हैं, लेकिन पानी रुके ना, क्योंकि मॉइस्ट की ज़रूरत होती है। मॉइस्ट पसंद है स्ट्रॉबेरी के प्लांट को, लेकिन ज़्यादा पानी दलदल पसंद नहीं है। तो आप इसे ध्यान से पानी दीजिए, जब पानी दीजिए, लेकिन इतना पानी ना हो कि उसमें दलदल बन जाए। अच्छा, आप जो पानी रुके ना, एक्स्ट्रा पानी जो ड्रेन आउट हो जाए, ऐसे गमले आप तैयार करिए और ऐसे आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट को रख सकते हैं। और हमारे गर्मी के एरिया में तो ये मार्च तक ही होगा, मार्च के बाद तो ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में ये काफ़ी पूरे साल भर तक रह जाता है। और एक ही में देखिए बहुत सारे गुच्छे में फ्रूट्स तैयार होते हैं। जैसे देखिए, इसमें वाइट कलर का प्यारा सा फूल बनेगा, उसके बीच से स्ट्रॉबेरी के प्लांट स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाता है, ये देखिए। और इसमें ऐसे लगे हुए और बहुत सारे ऐसे लगे हुए हैं। और पानी आप साइड से दिया करिए, ऐसे साइड से पानी दीजिए, क्योंकि अगर पानी लीफ में ठहर जाए या फिर ऐसे फ्रूट में ठहर जाए तो फंगस अटैक होने की चांसेस होता है। तो इसमें और इसके जो फ्रूट है ये बहुत नीचे नीचे ही होता है, तो आप इसमें
ऐसे कुछ मल्चिंग के लिए कुछ रख सकते हैं ताकि ये फ्रूट मिट्टी पे टच ना हो। देखिए ये बहुत सारे, एक ही देखिए ये छोटे से ही पौधे में इतने ढेर सारे प्लांट, ढेर सारे स्ट्रॉबेरी तैयार हुआ है। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही स्ट्रॉबेरी बहुत एक ही गमले में बहुत मिल जाएगा, और ऐसे केयर करेंगे आप तो अच्छे से स्ट्रॉबेरी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाइए। थैंक यू।